भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है वहाँ पर भ्रष्टाचार जंगल राज सब तब तो उनके हिसाब से है। बिना मोटिव के घटना हुआ है जिसका मतलब कहीं ना कहीं या तो कोई प्रायोजित होगा या तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है गिरिराज जी का, तभी ना इस तरह का बात कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में बीते दिनों बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें 11 लोगों को गोली लग गई थी और इस मामले में अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात को जो मुख्य आरोपी था उसे भी झांझा स्टेशन से पुलिस ने धर दबोचा है और अब मामले का उद्भेदन भी होना है। देखिए, तमाम जितने आरोपी हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के। बिहार पुलिस ने कुछ दिनों के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबकी जांच भी हो चुकी है, मिलान कर लिया गया है और अब से कुछ देर बाद बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों की जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय, उन्होंने भी ट्वीट करके कई आरोप लगाए थे। बिहार सरकार को काफ़ी ताना कसा था और ये कहा था कि बिहार में जंगल राज आ गया है, यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार ने ही लगता है फायरिंग करवाया है। अब ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि लगता है गिरिराज सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और बीजेपी के लोगों को तो जंगल राज दिखेगा ही। क्या कुछ अशोक चौधरी कह रहे हैं, जरा सुनिए। अरे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है वहाँ पर भ्रष्टाचार जंगल राज सब तब तो उनके हिसाब से है और जहाँ उनका राज्य है वहाँ पर सब चीज़ सुशासन है। वो तो समझते ही हैं कि जो हमारे पास आ गया वो एकदम धुला हुआ है और जो लोग हमको छोड़ के गया या जो हमारे साथ नहीं है सब महाभ्रष्ट है, वो सब करप्ट है, जंगल राज है सब। तो ये भारतीय जनता पार्टी से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, जिस तरीके से मामले का उद्भेदन भी हो गया है, चार लोग पकड़ाए गए, लगता है कि जल्द खुलासा बड़ा बिल्कुल खुलासा होगा ही होगा। कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्यों, क्या प्रायोजित था मानसिक रूप से। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद या अनवांटेड विदाउट रीजन क्राइम हो रहा है ना, विदाउट मोटिव क्राइम है। क्राइम होता है मोटिव के लिए, किसी का जमीन का झंझट हो, किसी का प्यार मोहब्बत का झंझट हो, किसी से झगड़ा हो, कोई पड़ोसी से झगड़ा हो, तब कोई घटना होती है तो समझ में आता है। बिना मोटिव के घटना हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो कोई प्रायोजित होगा। अब तो लोग सब पकड़ा गए हैं, पता चल जाएगा सब। नहीं, लेकिन जब आपके आज के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके नेता हैं, उन्होंने जब कहा कि उस एरिया में जान मुक्त कराया गया है जहां पर पिछड़ा समाज के लोग होते हैं, अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं, तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाति उन्माद फैला रहा है और उन्हें यह शक है कि नीतीश कुमार ने ही गोली चलवाई है। अच्छा, ये या तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है गिरिराज सिंह जी का, तभी ना इस तरह का बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने फायरिंग करवाई है। मानसिक संतुलन खराब हो गया है या उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। भाई, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा कि वैसे जगहों पर फायरिंग की गई है जिस इलाके में माइनॉरिटी के और अति पिछड़ों की बहुलता है। ये तो जो पदाधिकारियों ने उनको बताया होगा कि उनकी बहुलता है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ की उनकी बहुलता है, इन सब चीज़ों पे जांच की जा रही है, उन्होंने तो इतना ही कहा। अब कि नीतीश कुमार ने फायरिंग करवा दिया, जाति उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये सब तो गलत बात है ना। कैसे देखते हैं बीजेपी को? बीजेपी तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है। जितने भी बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो फ्रस्ट्रेटेड बयान है और लग रहा है कि जो मानसिक संतुलन खो गया है उन लोगों का, इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बेगूसराय फायरिंग मामले में अब से कुछ देर बाद बेगूसराय के एसपी जो है वो मामले का उद्भेदन करेंगे। सभी जो आरोपी हैं वो पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अब वहाँ के एसपी, बेगूसराय के एसपी जो हैं उस मामले पर अपनी पूरी बातों को रख लेंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी वार पलटवार है, गिरिराज सिंह के बातों का जवाब भी अशोक चौधरी ने बखूबी दे दिया है। पूछा है क्या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्या नीतीश कुमार क्यों फायरिंग कराएंगे, बिहार के मुखिया हैं, काफ़ी सारी बातें कही हैं, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।